तो आज मैं लेके आया हूँ एक रिव्यू वीडियो अपने हेलमेट पे, जो कि है बैगा का ऑफ रोड वाला। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है कुछ हेलमेट इस तरह का। एक्चुअली ये ऐसा ऐसा नहीं है, जो ये इसका ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो ऑफ रोड वाला चश्मा दिख रहा है, ये मैंने इसमें मैंने क्या क्या लगवाया मैं दिखाता आपको। तो मैंने ये अमेज़ोन से लिया है, तो इसकी कॉस्ट पड़ी थी मेरे को, तब पड़ी थी 500 कुछ कुछ समथिंग समथिंग तब था। और मैंने तो इस हेलमेट का मेरे को तकरीबन तकरीबन 2 साल हो गए हैं कंप्लीट। तो क्या क्या इसकी कमियां हैं मैं वो बताऊंगा अभी। तो इसका जो ओरिजिनल वाइजर है वो ये है, जो कि मेरे को इस हेलमेट में अच्छा नहीं लगता था। तो मतलब ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, ये रात के लिए नहीं है तो ये अच्छा है। तो ये मैंने कोई 1 साल यूज़ करा, उसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी थी इसकी, ऐसे अभी भी अच्छा है काफ़ी, यूज़ करता हूँ मैं कभी कभी इसको। और इसकी क्वालिटी दिखाता मैं। तो इसके साथ एक मास्क सा आता है, तो इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, ये शीशा नहीं है, ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक है। और ये ऐसा नहीं था, और ये इसके तरह ही था। तो मैंने इसके ऊपर वो लगा दिए, मतलब ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है आपको, ये लगा दिया मैंने इसके ऊपर। तो इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है खास, तो मैंने थोड़ा टाइम पे लगाया था। तो बात करते हैं हेलमेट की। तो जब मैंने ख़रीदा था तो मैंने जल्दबाजी में ख़रीद लिया था। तो फिर मेरे को नुकसान ये हुआ इसका कि ये जो हेलमेट है वो मेरे सर के साइज़ का नहीं है। तो मेरे सर के साइज़ का नहीं है, तो जब मैं इसको पहनता था, अभी तो मतलब बाल लंबे हो गए तो करके ये ठीक है, जब मैं इसको पहनता था दिखा के देखा था, तो अभी तो ये फिट आ रहा है, तो तब ये पता कैसे आता था, तब ये पूरा ऐसे ऐसे होता था। तो उसकी परेशानी से मैंने इसमें कुछ करा, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये जो होते हैं ये निकाल देता रखो, निकल जा, निकल नहीं रहा। हाँ तो ये देखो, ये जो होते हैं ये, तो मैंने इधर से इनको दिख रहा है ना, इधर से इसको कट मारा इधर से, और इसके अंदर वो थोड़ा सा मतलब पुराने कपड़े वगैरह सॉफ्ट सॉफ्ट वाली भर दी, तो इसको वो कर दिया थोड़ा इधर मोटा हो गया, और उस इस दोनों साइड करा तो इसमें जगह बनी, ये मतलब काफ़ी जगह कवर करने लगा, तो उसकी वजह से ये हेलमेट मेरे को पूरा फिट आया। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसको फाड़ के यहाँ से, अगर आपका भी हेलमेट ऐसी प्रॉब्लम देता, तो अगर आपने जल्दबाजी में ख़रीदा मेरी तरह, तो फिर इसको इधर से फाड़ लें और फिर इसके अंदर वो भर दें और इधर से सिल दें इसको वापस से अच्छे से, तो फिर इसकी पैकिंग हो जाती है, फिर अच्छे से वापस लगा देते हैं इसको। लगता है ऐसे भाई, चुका है तो इसको साइड में रखते हैं। तो पहले मैंने हेलमेट एक्शन कैम का माउंट इधर फिट करा था इधर जैसे, तो वो पूरा एंगल नहीं दे पा रहा था मेरे को, तो मैंने इधर लगा दिया इधर जैसे, MC लगा के करा ना मैंने। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा नहीं था, मतलब जब मैंने वो कैम लगाया तो ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये वाइट कलर का, ये पूरा बाहर आ गया। तो फिर मैंने क्या करा, इधर भी MC लगाई और इसको भी पैक कर दिया अच्छे से, और फिर ये इधर मतलब थोड़ा डिज़ाइन के लिए मैंने इसको वो कर दिया वाइट वाइट, वो कर दिया, वो था एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तरह था कुछ वो कर दिया। तो इस हेलमेट के साथ मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, ज़्यादातर मैं बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, बिकॉज बाकी जो हेलमेट थे उनमें उसको चश्मा मिलता था इधर, इसमें कोई चश्मा वगैरह नहीं मिला मेरे को। और ये थोड़ा सा क्वालिटी, मैंने तब लिया था 2000 रुपये का, 2000 रुपये का तब लिया था ये। दूसरा वाला जो था तो वो जिसमें चश्मा था शायद वो थोड़ा सा सस्ता या तो महंगा, वो भी सेम प्राइस में था पर वो थोड़ा ठीक था। तो
वैसे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एक दो बार गिरा मैं, पर सही सर का पूरा प्रोटेक्ट करा इसने। तो बाकी तो वही है कि काफ़ी अच्छा हेलमेट है, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मेरे को तो इतना ज़्यादा इसके साथ टाइम हो गया, पर अब मैंने न्यू लेना है तो एक्सोर का लूँगा शायद, क्योंकि एक्सोर का अच्छी क्वालिटी थोड़ा अपने सर को प्रोटेक्ट करते हैं अच्छे से, तो वो लेते हैं। तो बाकी क्या इसमें बस यही है, इसकी लुक काफ़ी अच्छी है, और इसको ऐसे इधर से लगा के जैसे इधर लगाते हैं ना, इसकी लुक कुछ ऐसी ऐसी आती है। और ये थोड़ा सा वो हो गया, लूज़ हो गया, तो ये भी थोड़ा हिलता है, तो इसकी लुक कुछ ऐसी ऐसी आती है। तो इधर मैंने लिख के रखा है नमः शिवाय, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इधर से भी मतलब हवा, मतलब अंदर बाहर जब वो इधर मतलब जब ठंड का मौसम होता है तो वाइज़र पूरा वाइड वाइड हो जाता है अपने सांस की उसकी साथ, तो इधर से हवा निकलने को मतलब अच्छा रहता है, आ जाती है, जाती रहती रहती है, तो अच्छा है। तो ये लगाया मैंने एक्शन कैम का, तो इसको मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो बाकी ठीक ही है बाकी सब तो। और अच्छा ये बाकी बाकी है उसे साइड में करते हैं, और कैसे लगी वीडियो बताना। तो मैं अब इसको लगाने वाला हूँ, क्योंकि जब आजकल मेरे को ये बारिश का सीज़न है तो इसके साथ जो है पूरा पानी थोड़ा सा अंदर आ जाता है तो गीला हो जाता है फिर, तो अब मैं इसको इसके अंदर कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। और बस बाकी वीडियो देर तक की थी, तो ऐसे ही अपने भाई को फॉलो करते रहें, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उधर जाके मेरे को इंस्टा में फॉलो करें, और जल्दी से जल्दी 1K पूरे करेंगे हम अपने, और इसी तरह मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होगी, और द केपी ब्लॉग की फैमिली एक दिन बहुत आगे जाएगी। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें कैसी कैसी लगी मेरी वीडियो, और बाकी सब बढ़िया है। बाकी की वीडियो बनाऊंगा मैं, वो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर की, मैं इसमें मतलब जब मेरा कैम नहीं चलता तो मैं फ़ोन के साथ कैसे ब्लॉग करता हूँ इसके साथ, मैं वो वीडियो बनाऊंगा जल्दी से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। I love you, 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 I love you,